हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इफ आई एम ऑडिबल एंड आएम विजिबल टू यू जस्ट लेट मी नो हाँ जी क्विकली एक बार कन्फर्मेशन दे दीजिए वेदर आई एम ऑडिबल एंडबल ऑडिबल एंडबल ओकेट स्टार्ट द न्यूज पेपर एनालिसिस फॉर टूडे टूडेज न्यूज पेपर इज अ वेरी सिंपल वन एंड वेरी रिली न्यूज पेपर राइट बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर that elections are nearby so as a result the whole thing is related to elections the majority of the newspapers so we're going to directly go to the editorial page and try to discuss the important articles that have come in today's newspaper now one of the articles that we have in today's newspaper it is related to kachathivu demands thinking outside the box now this is what we can call it a very hypothetical

and what is the basic notion related to this island and there are certain facts that we need to know about this island and certain steps that have been mentioned over here that what can be done and what can't be done in relation to the Kachatibu island. So, let's try to discuss. Now, when we talk about this island, first of all, let me draw the map of uh, India. Let's say I will be drawing only the peninsular region ठीक है ये मान लीजिए हमारा रीजन है नीचे तमिलनाडु है दिस इज श्रीलंका एंड हेयर वी हैव इज द कच्छा थीवू आइलैंड राइट सो दिस इज द आईलैंड विच हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली एंड दिस आइलैंड वॉज ऑल्सो अ बोन ऑफ कंटेंशन बिफोर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन नाइनटीन सेवेंटी फोर गेव दिस आइलैंड

विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एज अ रिजल्ट देर हैज बिन अ लॉट ऑफ डिबेट के बाय विच पर्टिकुलर अथॉरिटी दिस आइलैंड वॉज गिवन टू अगर हम बात कर रहे हैं श्रीलंका को जब यह आइलैंड दिया गया था नाइनटीन सेवेंटी फोर में एक डिसीजन लिया गया था कि हेयर बोध द फिशरमैन दैट आर देयर वुड बी अलाउड टू फिश और लेट से अलाउड द फिशिंग एक्टिविटीज अराउंड दिस आइलैंड

that sri lanka when we talk about after their civil war ended they have also somehow realized that they want to have the majority of this island and the fishermen of tamil nadu be the majority ones that are allowed the fishing activities in these islands so there after the civil war when ended in sri lanka after 2010 there have been a lot of arrests that have been made for fishermen that are coming from tamil nadu

एग्रीमेंट ही हुआ है एग्रीमेंट तो बहुत सारी कंट्रीज आपस में तोड़ भी देते हैं सो हेयर इज द पर्टिकुलर व्यू पॉइंट दैट वाई नॉट टू ब्रेक द एग्रीमेंट हम इस एग्रीमेंट को ब्रेक क्यों नहीं कर देते राइट क्वेश्चन कम्स लाइक दिस दैट व्हाई वुड नॉट ब्रेक द एग्रीमेंट परहैप्स ये इश्यू हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चल रहा है अगर हम ये एग्रीमेंट ब्रेक करते हैं लेट्स से इंडिया ब्रेक्स दिस एग्रीमेंट लेट से इंडिया यूनिलिटरली ब्रेक्स दिस एग्रीमेंट देन इट विल इंपैक्ट इंडिया बाय लेटरल एग्रीमेंट विद द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल विद द

एंड क्वेश्चन जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इस रीजन के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप एक काम कीजिएगा घर जाइएगा अपना मैप खोलिए और यहाँ पे चेक कीजिए कौन कौन से मेजर आइलैंड हैं जो इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है और मेरे ख्याल सबको पता है कि बीच में हमारे पास क्या है पार्क स्ट्रीट ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास अदर एक जियोग्राफिक लोकेशन है जो कि बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स हैं, दे आल्सो बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज द लिटिल कंटेक्ट दैट हैज बीन डिस्कस्ड ओवर नथिंग मोर देन दैट आई टोल्ड यू बीन अ काइंड ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ एन हाइपोथेटिकल

i hope this context is clear to everybody okay now the next article is related to the advent of holistic approach to one health now this is a very interesting article let's try to discuss what are the things that have been discussed over here and let's try to have a holistic understanding of this topic as well now the topic name is one health उट ओनली ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स वेन वी टॉक अबाउट इन कंटेक्स ऑफ इको सिस्टम जब हम इको सिस्टम की बात करते हैं तब तो हम इनवायरमेंट की भी बात करते हैं हम हमारे ह्यूमन्स uh, की भी बात करते हैं हम, हम अपने एनिमल्स की भी बात करते हैं सो so हेयर there has been a certain changes that have been made in indian context as well where we understand that both human animals and environment are dependent upon each other as a part of food chain and as a part of food web if a one health of a one species is affected it will affect the other thing as well अगर इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसका इंपैक्ट ह्यूमन और एनिमल्स पे भी पड़ेगा अगर एनिमल्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा इट विल हैव अ विलट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट एज वेल सो हेयर थ्री थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेन वी टॉक अबाउट वन हेल्थ दैट इज ह्यूमन एनिमल्स एंड एनवायरमेंट सो वेन वी टॉक अबाउट दैट दीज थ्री आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर सो वी कैनॉट इग्नोर द हेल्थ ऑफ एनी ऑफ दीस

डिजीज स्प्रेड और प्रिवेलेंस ऑफ डिजीजेस बट इट इज अबाउट हैविंग बेटर फूड चॉइसिस बेटर फूड सेफ्टी नेट इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन एंड इट इज मोर होलिस्टिक अप्रोच

एडवाइजरी काउंसिल लॉन्च दिस मिशन दैट इज नेशनल वन हेल्थ मिशन वेरी इंपॉर्टेंट और यहां पर कुछ तेरह मिनिस्ट्रीज है जो इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर इन्वेस्टेड है जो कोशिश कर रही है कि आपस आप में कॉर्डिनेट कर सके आपस आप में सेंक्रोनाइजेशन बना सके सो दैट दे आर एबल टू ब्रिंग इन दिस कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ नाउ आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर दैट ह्यूमर ओनली वन दैट आर अफेक्टेड बाई पेंडेमिक्स लाइक कोविड ठीक है ्यूम इम्पेक्ट होते हैं कोविड से जैसे पेंडेमिक से एंड एनिमल्स लाइक काउ दे आर ऑल्सो इंपेक्टेड बाय सर्टेन काइंड ऑफ पेंडेमिक लाइक द लंपी स्किन डिजीज आई थिंक सबको पता होगा यूपीएससी में अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया but 2022 and 2023 it was in so much of news why because the cattle was dying of this particular lumpy sun, uh, skin disease and it was quite prevalent in bengal and it was also quite prevalent in the western part of the india so as a result when we talk about this whole one health nation concept we have to understand that we have to reduce the prevalence of diseases

भाई रिसर्च करो डेवलपमेंट करो वैक्सीनेशन बनाओ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं सबकी हेल्थ को इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपका फोकस सिर्फ ह्यूमंस के लिए होना चाहिए जहां पे आप कोशिश कर रहे हो कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए हम वैक्सीनेशन बनाए नहीं आपको कोशिश करनी है कि आप इन्वायरमेंट की भी कंजर्वेशन कर रहे हो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखे हो क्योंकि अगर इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट देन ऑब्वियसली इट विल ऑगर वेल फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स and when we talk about animals like we have seen that the cows have been facing this lumpy skin disease so you need to understand that you need to invest make vaccinations have the rapid response team have joint surveillance so that you are able to bring a very holistic approach in making sure that you are catering to the concept of one health which is very very important i hope you are able to realize this it is one of the most important article and you can be asked a question related to this and you can put it in your answers as well when you have to mention about one health right Chali. So, this was the second major article that we have in our today's newspaper. Now, this is all political news that we have, and the next article that we have that is important is related to on unemployment in Indian states. Now, this is a very interesting article. This talks about unemployment in major states of India, it excludes the union territories among individuals aged 15 and above, obviously, utilizing data from periodic labor force survey of 2022 and 2023.

केरला हरियाणा पंजाब इज ऑलमोस्ट सिमिलर देन मेघालय अरुणाचल राजस्थान तेलंगाना उत्तराखंड हिमाचल जे एंड के तमिलनाडु नागालैंड आंध्र बिहार उड़ीसा महाराष्ट्र देन इट इज रिड्यूसिंग डाउन लेस देन 2.5 परसेंट इन छत्तीसगढ़ कर्नाटक यूपी मिजोरम सिक्किम वेस्ट बंगाल गुजरात असम झारखंड मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा सो यू कैन सी अमंग ऑल द स्टेट्स त्रिपुरा हैज द लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैन वी कंपेयर इट विद द डेटा दैट हैज बीन कमिंग फ्रॉम द पिरोडिक लेबर फोर्स सर्वे now there are certain context and certain terminologies which are very important when we talk about unemployment let's try to discuss what are those terminologies and it is very important from our examination point of view now when we talk about unemployment first and foremost the most important thing that you need to understand is that what is the definition of unemployment now when i talk about unemployment unemployment is a situation first of all very important it is a situation in which पर्सन हु हैज ए पार्ट ऑफ वर्क फोर्स पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ही शैल बी अ पार्ट ऑफ वर्क फोर्स हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब और हु इज सीकिंग अ जॉब बट इज नॉट एबल टू फाइंड द जॉब बट इज नॉट एबल टू फाइंड द जॉब

लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देर आर सर्टन की टर्मोलॉजीस्टैंड वेन वी टॉक अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इट इज इक्वल टू पीपल आर सीकिंग द जॉब बट नॉट फाइंडिंग द जॉब नॉट फाइंडिंग द जॉब प्लस पीपल हुईड डिवाइडेड बाय पीपल हु आर सीकिंग जॉब बट नॉट एबल टू फाइंड द जॉब प्लस पीपल हु आर डूइंग द जॉब प्लस पीपल हु आर नीदर सीकिंग एंड नॉर अवेलेबल फॉर जॉब जो हमारे देश की पॉपुलेशन हो जाती है अगर हम उन तीनों चीजों को कंसीडर करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इट इज ऑल्सो की पैरामीटर दैट वी ट्राई टू कैलकुलेट द डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू अनुप्लॉयमेंट सो व्हेन आई अ जॉब बट आर नॉट एबल टू गेट द जॉब डिवाइडेड बाय लेट से जॉब बट नॉट एबल टू फाइंड द जॉब प्लस पीपल एम्प्लॉयड सो इफ आई से दिस इज वन दिस इज टू सो अनुप्लॉयमेंट रेट इज वन अपॉन वन प्लस टू

ठीक है ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी नाउ दिस इज रिलेटेड टू डिमांड ऑफ द वर्क फोर्स लेट से इफ देयर इज नो डिमांड इन द कंट्री डिमांड कम हो रही है चीजों को लेके इफ देर इज लेसर डिमांड ऑब्वियसली टू केटर टू दैट लेसर डिमांड supply has to be reduced if supply has to be reduced production has to be reduced if production has to be reduced then the people who were doing the production has to be lay off right so as a result the unemployment that will be created will be cyclical unemployment now this is the condition that you might have understood has been going on in a lot of western countries where a top mncs are laying off their employees because of the more inflation in the market or you can say because of lesser demand of the things as a result, this type of unemployment is the cyclical unemployment. Now, there is another type of unemployment that we have, what we call it as structural unemployment. Now, this structural unemployment is basically due to mismatch of demand and supply. Mismatch of demand and supply. Now, you might have seen certain situations where in countries like India, there has been Demand for jobs in the field of, let's say, catering to AI, catering to data engineering, catering to data scientists, and catering to data analysts, or maybe in the field of nanotechnologies, or maybe in the field of robotics. Now, I think everybody is aware that this is the time of a new revolution, new industrial concepts, as a result, new technologies being introduced into India. But there are certain jobs that are being created. So, there is demand for jobs. बट द पीपल इन आर कंट्री आर नॉट एजुकेटेड इनफ और वी कैन से आर नॉट फिट फॉर द जॉब्स दैट दे कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब्स मीन्स दे डू नॉट हैव द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन दीज पर्टिकुलर जॉब्स भाई उनके पास स्किल ही नहीं है कि वो इन जॉब्स के अंदर क्या कर सके एम्प्लॉयमेंट फाइंड कर सके अब ये स्किल्स क्यों नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां पे स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता एंड वाइज दिस सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल थिंग्स दैट वी हैव इन आर इंडियन सेक्टर दैट इज एजुकेशन जो है वो स्ट्रक्चरल है उसकी वजह से ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है उसको हम क्या कह देते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सो फर्स्ट वन इज साइकिल इट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि डिमांड कितनी है अगर डिमांड कम हो जाएगी सप्लाई कम करनी पड़ेगी और यहां पे किसके ऊपर बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन द मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कि डिमांड और सप्लाई में जब मिसमैच आ जाता है कि सप्लाई डिमांड जॉब के ऊपर सप्लाई नहीं हो रही है किस वजह से क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है फॉल्टी है सो आई कैन राइट इट ओवर हियर बिकॉज ऑफ द फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बींग जनरेटेड

खेती करने खेती बाड़ी करने के लिए पांच लोगों की रिक्वायरमेंट है बस बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ द फैमिली आर इन्वॉल्व सो हो सकता है उस खेत फील्ड के ऊपर दस लोग इंप्लॉयड हैं बट जो एक्स्ट्रा पांच लोग इंप्लॉइड हैं दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो एंड दैट इज द टाइप ऑफ अनुप्लॉयमेंट व्हिच वी कॉल इट एज डिगाड अनुप्लॉयमेंट सो दिस इज द पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ अनुप्लॉयमेंट बाय द नेम ऑफ डिस्ग अनुप्लॉयमेंट नाउ Adding on to another forms of unemployment, you can also write like the case of frictional unemployment. Now, when we talk about frictional unemployment, it happens, let's say you were working in X company, but now you have left the job in the X company, but you haven't got another job in any other company right now, but you are looking for a job, let's say in Y, Z, A, B, C. तुम यहां पे कोशिश कर रहे हो जॉब ढूंढने की जिसने टाइम तक तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज यू आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ जॉब दैट पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब वाईल एक्सचेंजिंग अ जॉब दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देन देर इज अनदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट वेन यू आर वर्किंग फॉर अ लेट से हाफ टाइम नॉट वर्किंग फुल टाइम प्लस लेट से एक ऑफिस में जॉब है क्लर्क की एंड अ पी एच डी कैंडिडेट और अ स्टूडेंट इज वर्किंग एज अ क्लर्क एंड हैव टेकन दैट जॉब दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट द सिचुएशन फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब

and when we talk about how unemployment is being calculated in india so there are three types what we have usual principal status plus subsidiary status iske upar depend karta hai to majority part of the year ke liye employed the ke nahi current weekly status एक घंटे के लिए तुम इंप्लॉयड थे कि नहीं किसी वीक में and then we have current daily status.

और एक काम प्लीज कीजिए डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब हां जी ओके चलिए सो एंड द सेशन फॉर टुडे वी विल सीच अदर टुमारो सेम टाइम 9 एम देखो ज्यादातर तो हम बोर्ड पे ही करते हैं कई बार कुछ इमरजेंसी हो जाती है जिसकी वजह से आई हैव टू टेक इट थ्रू ओबीएस राइट उसी दिन पे भूचाल पड़ जाता है कमेंट सेक्शन में सर उधर जाओ उधर आ जाओ बोर्ड वर्क इज मच यूजफुल राइट आई ऑल्सो नो दैट माय प्रेजेंस मेक्स यू फील लाइक दैट इज टीचिंग यू एंड आई एम ऑल्सो प्रेफरिंग दिस टाइप ऑफ मेथड ओनली चलिए थैंक यू सो मच टेक केयर डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टिल देन टेक केयर बाय बाय हेल्थ इक्विटी के बारे में आई हैव टोल्ड अर्लियर एज वेल दैट एवरीवन मस्ट हैव द इक्वल

whether they are in the urban areas or whether they are in the rural areas one of the very important part you can expect a question on this in gs paper 1 in health equity as well right so that is very important chali that's it for today we will see each other tomorrow same time 9 am till then take care bye bye